पिट परीक्षा में मैं आवेदन कर पाऊंगा या नहीं। अगर हमारे पिट परीक्षा में मार्क्स कम है तो क्या होगा? पिट परीक्षा में कितने अंक वाले इस लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं? उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा कि सर इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, और ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं है, तो क्या आप भी आवेदन कर सकते हैं कि आप भी अब की बार एक सीट हमारे के लिए पढ़ सकते हैं? पद संख्या कम है, कितने आवेदन हो सकते हैं इस परीक्षा के लिए, क्या है पूरी प्रक्रिया? आप सभी के सवाल इलेनी भी दुर्गेश पैदा गेस्ट ग्रुप पे मैं लाइव हूं और मैं आपके सारे सवालों को जवाब देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम ये चाहेंगे, हम ये हमेशा प्रयास करेंगे कि आप सभी लोग सरकारी शिक्षक बनने की जो आपकी राह है उस पर कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें, क्योंकि आज के समय में नौकरियां जिस तरह से चने की तरह होती जा रही हैं। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आज हम आपके साथ पूरी संपूर्ण जो जानकारी है वो साझा करेंगे, तो फटाफट वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा जितने तो इस वीडियो सेशन को लाइव सेशन में देख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पहला है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन जारी कर दी गई है। सबसे पहला आप लोगों को जबकि जानकारी हो गया होगा कि जो आवेदन करना है वो आवेदन होगा 7 जनवरी से, 7 जनवरी 2022 से ये आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। उसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो जमा करना है वो 28 तक, मतलब एक बात साफ और स्पष्ट है कि जो आवेदन होगा वह कुल 21 दिनों तक होगा। आवेदन कितने दिन होगा? 21 दिन तक केवल आवेदन हो पाएगा। जी हाँ, 21 दिन तक आवेदन कर पाएंगे आप। उसके बाद डेट कम है, मतलब देखा जाए तो फॉर्म भरने का आवेदन करने का समय बहुत कम मिला है, 21 दिन का ही समय मिला है, और जब समय कम होगा तो सबसे बात एक और स्पष्ट है कि परीक्षा आपकी शीघ्र यथाशीघ्र कराने जाने की तैयारी है। लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि कब तक हो सकता है लेखपाल भर्ती का परीक्षा, मतलब ये अप्रैल का प्रथम या द्वितीय सप्ताह आपका होगा जिस समय आवेदन के बाद परीक्षा होगा, क्योंकि इसमें दो चरण होने हैं, वह दोनों चरण क्या क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो सीरीज में बताने का पूरा प्रयास करूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, यहाँ पर ये सब चीज आपको जानकारी मिली हुई। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 तक रखी गई है, और इसके बाद आवेदन फीस स्वीकार नहीं किया जाएगा। और फिर यहाँ पे कुछ और अहम बातें दी गई है, 7 कार्य दिवस के अंदर अर्थात इसमें संशोधन करने की भी तिथि है, मतलब 4 फरवरी तक आप अपने भरे हुए आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन में क्या क्या संशोधन कर सकते हैं वो भी मैं आगे आपको क्रमवार रूप से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं इसके अन्य मूलभूत तथ्यों पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि सर इस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो विज्ञापन रहा है इसमें राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन 8085, मतलब यहाँ पे अगर पद संख्या की हम बात करें तो जो ये पद संख्या है ये है आपकी 8085 पद है। जी हाँ, 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है, मतलब एक यहाँ पर दिया गया होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग क्या है, तो यहाँ पर आइए जानते हैं अब पीईटी की भूमिका क्या है, पेट परीक्षा की क्या भूमिका है। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि पेट में कितने अंक हो, क्या वो अप्लाई कर पाएंगे, क्या जिन्होंने पिट परीक्षा नहीं दी है क्या वो भी भर्ती परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि जो भी साथी पिट परीक्षा नहीं दिए थे, पिट परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, वह इस भर्ती अर्थात राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक लाइन में यह बात समझ लीजिएगा। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है, अच्छा ठीक है कि जो पिट परीक्षा में आवेदन किए थे, परीक्षा में उनके कितने मार्क्स हों, कितना परसेंटाइल हो कि वह इस भर्ती परीक्षा में अपनी आवेदन कर पाए, तो आइए यहां पे भी इस बात को हम आपके सामने जिक्र करना जरूर चाहेंगे कि कितने परसेंटाइल वाले इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे। पहली बात तो याद रखिएगा कि अभी तक जो विज्ञप्ति आपके सामने है इसमें यह बात का प्रावधान नहीं किया गया है, अगर आपके परीक्षा में 10 अंक भी है, अगर आपके पेट की परीक्षा में 10 अंक भी है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं, 5 अंक है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा होगी ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण क्या है यह जान लीजिएगा कि आप लोग को लग रहा होगा सर ये 2 चरण क्या है, आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा सर ये 2 चरण क्या है। तो सबसे पहला काम मैं आपसे कहना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के सवालों के जवाब हम आपको लाइव बता सकें। देखिए अब यहाँ पर हम आपके सामने इस बात का जिक्र करना जरूर चाहेंगे कि
आवेदन की दो प्रक्रिया क्या है, दो चरण। सबसे पहला काम है कि आप सभी लोग, जितने लोगों ने पेट की परीक्षा दी है, वे सभी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो तिथि है वह आपको सामने है। आवेदन करने के बाद जो आपकी परीक्षा चयन आयोग है वह इसकी एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करेगी। क्या करेगी? वह शॉर्ट लिस्ट तैयार करेगी और शॉर्ट लिस्ट तैयार करने के बाद आपके सामने दे देगी कि भैया आप परीक्षा दे सकते हैं और आप परीक्षा नहीं दे सकते। इसलिए जो परीक्षा फॉर्म का पहला चरण होगा उसकी फीस, नॉर्मल फीस 25 रुपया रखी गई है, ताकि आप सभी साथी, ठीक है, ताकि आप सभी साथी इस भर्ती परीक्षा में, आप सभी जो भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सके, आप सब जितने भी साथी वीडियो मतलब पेट परीक्षा दिए हैं वो इसमें आवेदन कर सके। और आवेदन करने की जो तिथि आपके सामने है, तो ये हो गया पहला चरण, आपने आवेदन कर दिया। दूसरा चरण शॉर्टलिस्ट की जाएगी पद के आधार पर, परसेंटाइल के आधार पर, या भर्ती आवेदन के आधार पर। इस आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन कौन शॉर्टलिस्ट होगा, और यह शॉर्टलिस्टिंग आयोग के द्वारा होगी, उनके पेट परीक्षा के अंग के आधार पर होगी। यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि राजेश लेखपाल शॉर्टलिस्टिंग, यहां पे देखिए दिया है, उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु, माने जो सम्मिलित होंगे ऑनलाइन आवेदन करें जो पेट परीक्षा में सम्मिलित थे, और स्कोर कार्ड जारी किया गया था। लेकिन यहां पे है कि परंतु जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन और बंधित श्रेणियों में अभ्यर्थियों के प्रकरणों को अंतिम निर्णय नहीं देता, तब तक इन श्रेणी अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लाइन जो कहा है वो मैं आपको एकदम समझा देना चाहूंगा। मतलब उसके बाद एक फिल्टर लिस्ट आएगी, एक शॉर्ट लिस्ट आपके सामने आएगी, और उस शॉर्ट लिस्ट के आधार पर, उस लिस्ट के आधार पर आपको करना क्या होगा, आप सभी को शॉर्ट लिस्ट के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। सम्मिलित करने से पहले, आपके प्रवेश पत्र जारी होने से पहले, आप सभी को दोबारा सा आयो भर्ती परीक्षा होगी आपके लेखपाल, फिर से एक बार आवेदन प्रक्रिया की तरह फीस पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जो पूरा परीक्षा होगा, जो पूरा चरण होगा, वह केवल जो पेट परीक्षा में जिस तरह से आपने आवेदन किया था उसी आवेदन प्रक्रिया के आधार पर आप लोग आवेदन करेंगे। तो यह चीजें आप लोग जानते रहिएगा। यहां से आपकी परीक्षा में कुछ प्रमुख चीजें जो होंगी वो आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन मोड में होगा। कैसे? ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा, अन्य किसी के आधार पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया क्या है? अभ्यर्थी की अपेक्षा की जाती है विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें, भली भांति समझ लें। वे विज्ञप्ति हेतु वांछित अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है वो इसमें, जैसे इसमें क्या है कि CCC, यहाँ पे CCC की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो CCC थी उसकी अनिवार्यता इस भर्ती परीक्षा में समाप्त कर दी गई। यहाँ पे मैंने बताया है कि 10 अंक हो, 1 अंक हो, फिर भी आप इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। माने जो CCC भी योग इसके लिए मान्य नहीं है, ठीक। इसके बाद आपके 0 अंक हो, 1 अंक हो, 2 अंक हो, आप पेट परीक्षा में अगर बैठे थे तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोबारा जो शॉर्टलिस्ट आएगी, अगर उसमें आपका नाम है तो आप राजस्व लेखपाल की परीक्षा दे सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके और आगे देखते हैं इन्होंने और क्या क्या प्रावधान किया है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ सारी चीजें जो है आपको ऑनलाइन यहाँ पे उपलब्ध कर दी जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है, व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी परीक्षा 2021 रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, मूल निवास आदि के आधार पर OTP के माध्यम से आप इसमें, मतलब देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर, माने पेट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आवेदन की बात करते हैं, सारी बातें हम स्पष्ट करेंगे, पूरी बातें, ये आवेदन कैसे करेंगे, फोटो क्या क्या लगेगा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम में है। हाँ, नोट्स आपको मिल जाएगी, नोट्स के लिए परेशान ना हो, जितने भी सारे वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग परेशान हो, नोट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, हाँ, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं आप। इलेनिंग में दुर्गेश के ऑफिस पर आप बात करिएगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अब घोषणा क्या करना है, यहाँ सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फीस की बात की गई है कि जो फीस होगा वो कितना रुपया होगा, तो पहली जो चरण होगी उसका फीस 25 रुपया रखा गया है। आगे हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखिए फीस के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे जो फीस है वो 25 रुपये रखी गई है, आरक्षित सामान्य यानी पिछड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है ऑनलाइन आवेदन की फीस। और आगे चलते हैं, फॉर्म का प्रिंट वगैरह कैसे लगता है, अपडेट ट्रांजेक्शन आईडी क्या होगा, ये सारी चीज़ तो आपको प्रक्रिया पता ही होगा।
अब आते हैं पदों के विवरण देख लेते हैं, क्या क्या संशोधन होगा, क्या क्या चीजें नहीं, आवेदन में संशोधन क्या क्या होगा। देखिए संशोधन कब कब होगा मैं सारी बातें बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं सारे सवालों के जवाब आप सभी को लाइव दूंगा, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब तो। जी हाँ सौरभ जी ने लिख के दिया, मैं उसको लगा दे रहा हूं अभी, दिया ही नहीं कुछ लिख के उन्होंने। अच्छा ठीक है ठीक है, तो यहां पर आवेदन में हो गया। अच्छा यहां पे क्या क्या चीजें आप संशोधन कर सकते हैं उसके बारे में, जैसे नाम की अगर वर्तनी गलत है, अगर आपके नाम की, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर नाम की जो वर्तनी गलत है उसमें संशोधन होगा, पिता के नाम में आपका एड्रेस अगर कोई है जो कोई प्रमाण पत्र है, उसके बाद जाति की श्रेणी में, लिंग में, आवेदन जो संबंधित दर्ज किया गया है अधिमानी, वो आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। आगे पदों का विवरण, यहाँ पे पदों के विवरण भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पद के विवरण क्या क्या है। ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विभाग का नाम राजस्व लेखपाल है, जो वेतनमान ग्रेड पे है ये 5200 से लेकर 2020 रुपए है, 18 से 40 उम्र है, 3271 पद यहाँ पे, अनुसूचित जाति के लिए 1690 है, 152 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2174 पद है, देख रहे हैं ये पद का ब्यौरा है, और EWS के लिए 798 है, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 8085 पद है, कुल कितने हैं 8085 पद है कुल। ठीक है यहाँ पर ये बातें आप लोग को स्पष्ट रूप से जान गए। अब मैं और आगे आपसे इसके बारे में चर्चा, मतलब देखिए हर चीजें हम आपके सामने लेकर आएंगे, सारी चीजों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। अब इसकी प्रक्रिया, परीक्षा प्रक्रिया क्या होगी, ये 36 आरक्षण का विवरण भी यहाँ पे दिया गया, कैसे आरक्षण लगेगा उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे, क्या क्या आरक्षण का प्रावधान क्या क्या है। अच्छा ये पूरा आरक्षण का हो गया। देखिए यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या क्या है ये भी जान लीजिए, कौन कौन आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए आप इंटरमीडिएट होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, और साथ ही साथ आप पेट परीक्षा में सम्मिलित हो, पेट परीक्षा में सम्मिलित हो। अगर आप 12 पास हैं और अगर आपने पेट परीक्षा दिया है, पेट परीक्षा में अगर आप सम्मिलित थे तो आप आसानी से इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या अनिवार्य में इंटरमीडिएट, ध्यान दीजिएगा इंटरमीडिएट हो, उसके बाद ये लेखपाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री हो या आपने इंटरमीडिएट किया हो, और साथ ही साथ पेट परीक्षा में सम्मिलित हो। एक प्रश्न आ रहा है कि अगर आपके पेट परीक्षा में 10 अंक हैं, कितने अंक हैं 10 अंक हैं, तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ। एक सवाल आ रहा है कितने परसेंटाइल वाले इसमें सुरक्षित होंगे, तो मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा कि कितने परसेंटाइल वाले होंगे जो अंतिम कट ऑफ जो होगी, अंतिम परीक्षा की जो इनकी शॉर्टलिस्ट आएगी उसमें कितने लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे, उसका भी जिक्र मैं यहाँ पे आगे कर दूंगा। आयु सीमा की बात यहाँ पे देखिए दिया गया है, आप इसके बारे में लोग आगे पढ़ते हैं, कोई आपके मतलब नहीं है। हाँ एक चीज है चयन प्रक्रिया, क्योंकि ये बार बार सबके मन में सवाल आ रहा है कि सर चयन प्रक्रिया क्या होगी। देखिए लेखपाल में इसके पहले जो लेखपाल परीक्षा हुआ करती थी उसमें इंटरव्यू का प्रावधान था, लेकिन इसमें ग्रुप सी में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना था कि ग्रुप सी जैसे परीक्षाओं में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया जाए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी प्रधानमंत्री के सपना को साकार करने का काम किया और साक्षात्कार बंद कर दिया। अब इंटरव्यू जो होता था वो अब नहीं होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद कौन सी किताबें आपके लिए बेहतर है उसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे, लेकिन यहां पर हम ये प्रयास करेंगे कि आप लोग चीजों को जान लीजिएगा। देखिए परीक्षा लेखपाल पदों लिखित परीक्षा आयोजन पाठ्यक्रम आयोग वेबसाइट की जारी किया, मतलब यहां पर अभी किसी भी प्रकार का परीक्षा तिथि घोषित नहीं है, लेकिन परीक्षा कब तक होगी यह स्पष्ट मैं आपको यहां पर बता दूंगा। सभी लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि परीक्षा कब होगी, ये आपके मन में भी आ रहा है ना कि सर ये परीक्षा कब तक होगी, तो परीक्षा के लिए एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा कि जब एक महीने तक आपका आवेदन होगा, आवेदन प्रक्रिया कब तक होगी, लगभग 21 दिन तक होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट बनेगा। शॉर्टलिस्ट बनाने में कम से कम 25 से 30 दिन का समय लगेगा शॉर्टलिस्ट करने में, और कितना समय लगेगा शॉर्टलिस्ट करने में, कम से कम 20 से 25 दिन, मान लेते हैं हम फरवरी के अंत में, फरवरी के अंत में अगर आपकी शॉर्टलिस्ट जारी हो जाती है फिर एक आवेदन प्रक्रिया लिया जाएगा, वो भी कम से कम 15 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा या 20 दिन के लिए, 10 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा, तो मान लेते हैं 15 मार्च, उसके बाद आपकी परीक्षा की सेंटर अलॉट किए जाएंगे और आपके प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे, उसमें भी 15 दिन का समय लगेगा, 20 दिन का समय लगेगा, तो मतलब ये माना जा सकता है कि जो परीक्षा आपकी होगी वो 10 मतलब अप्रैल के प्रथम सप्ताह, यूं कह सकते हैं हम कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह,
मतलब यहां पे कहा जा सकता है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह या मार्च का अंतिम सप्ताह, या मार्च, या यू कह सकते हैं हम कि जो मार्च का अंतिम सप्ताह होगा वहां पर भी यह परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यह परीक्षा क्या होगी कि जो कुल प्रश्न संख्या होंगे, प्रश्नों की संख्या होगी 100 और समय होगा 120 मिनट, माने ये पेपर 2 घंटे का होगा जिसमें आपको 100 प्रश्न हल करने हैं। कितने प्रश्न यहाँ पे आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे और जो परीक्षा का समय होगा वो लगभग 2 घंटे का होगा। सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न आएंगे, 25 अंक के होंगे। गणित से 25 प्रश्न 25 अंक के, सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न 25 अंक के, ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से आपके 25 प्रश्न 25 अंक के आएंगे। ठीक है, इस प्रकार आपके 100 प्रश्न 100 अंकों के होंगे। अब इसकी नोट्स आपको इलेनी पे दुर्गेश पर मिल जाएगा, आप लोग इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। और यह सभी क्लासेज आपको जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए लाइव चलेगी, देशहित में राष्ट्रहित में, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार कहने से नहीं होगा, क्योंकि पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट होना होगा और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड होने के बाद फिर तब कहीं जाकर आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। लेकिन अगर हमसे पूछें तो मुझे ये लगता है कि जिनके 50 से ज़्यादा परसेंटाइल है वो अपने आप को मान के चले कि वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे आराम से। कारण ये है कि इसका मतलब शुरुआत में उन्होंने इसलिए किसी प्रकार का परसेंटाइल का जिक्र नहीं किया है ताकि ज्यादा ज्यादा लोग आवेदन करें। जब ज्यादा लोग आवेदन करेंगे तो सरकार ये चाहेगी परीक्षा के आधार पर, अंतिम परीक्षा के आधार पर उनका चयन हो, इसलिए ये भी होगा कि ज्यादा ज्यादा लोग को सम्मिलित कराया जाए। इसलिए यहाँ पे इस, क्योंकि पेट परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए मतलब नहीं था कि उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, उसके अंक नहीं जुड़ेंगे और आपका सिलेक्शन लेखपाल भर्ती परीक्षा के आधार पर होगा। इसलिए माननीय सरकारें चाहेगी कि ज्यादा ज्यादा अच्छे अभ्यर्थी आए, प्रतिस्पर्धा करें और अपनी नियुक्ति लेकर जाएं। और पद संख्या भी 8000 है, बहुत ज्यादा पद भी नहीं है, और महिलाओं का आरक्षण भी इसमें है, अलग से देखा होगा अपने ऊपर, अभी उसका भी जिक्र हम करते हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट और साफ है कि आप अगर 50 परसेंटाइल से ज्यादा है तो पूरी तरह से सेफ जोन में, 50 परसेंटाइल से ज्यादा है सेफ जोन में। बाकी क्या होगा मुझे नहीं पता, उनका रूल क्या होगा, किस नियम के हिसाब से करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इलेनी विद दुर्गेश के नोट्स के आधार पर, आप चाहे तो ले सकते हैं, नोट्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आप लोग उपलब्ध करा दीजिएगा। इलेनी विद दुर्गेश नोट्स भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से। और आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ने हैं। देखिए खासकर आपको सिलेबस के बारे में जानना होगा, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगा, माने जो प्रश्न आपको नहीं आते वहां पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान किया गया है, माने नकारात्मक अंक का भी, ठीक है, यहां पे प्रावधान किया गया, माने 1/4 1/4 अंक जो 25% होगा यहां पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, माने अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए तो आपका एक सही प्रश्न चला जाएगा। सामान्य हिंदी में बहुत ही छोटा सिलेबस है, समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भुत, तत्सम, संधि, वाक्यांश के लिए शब्दों का निर्माण, लोकोक्ति, मुहावरा, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, काल, कारक, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द और पठित गद्यांश पर। लेकिन यह भी जानते रहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस भी प्रश्न जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जितना सिलेबस दे दिया इससे बाहर नहीं आएगा। अगर गणित की बात करें तो गणित में संख्या पद्धति है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, सांख्यिकी है, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन है, सारणी संचय, बारंबारता आंकड़ों का निरूपण है, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयर चार्ट, बारंबारता बहुभुज है, केंद्रीय है। बीजगणित की बात करें तो इसमें लघु एलसीएम सीएफ है, युगपत समीकरण है, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय है, क्योंकि भाई आपको खेतों को ही नापना है इसके लिए तो लेखपाल बनने हैं। रेखागणित की बात करें, त्रिभुज संबंधित पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज है, आयत, वर्ग। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो आपके लिए सामान्य ज्ञान, क्योंकि ये सबके लिए चैलेंजिंग है, गणित और सामान्य ज्ञान, इसका दायरा ही कोई फिक्स नहीं है। इसमें सामान्य विज्ञान है, राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना जिसे हम करंट के नाम से जानते हैं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव परीक्षण संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोधन, और फिर किसी भी सुरक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसे किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो, भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी, मतलब जीएस के सभी चीज आपको, इतिहास पढ़ने हैं तीनों इतिहास, भूगोल पढ़ना है दोनों, भारत का, विश्व का, जनसंख्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना है, तीनों सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें तीनों सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है, कंप्यूटर भी यहाँ पे पढ़ना है, देख रहे हैं लास्ट में कंप्यूटर भी यहाँ पे दे दिया है।
ठीक, कंप्यूटर भी है, दोनों भूगोल की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स है, भारतीय राज्य व्यवस्था की देखिए यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहां पर हमने देखा संपूर्ण जीएस है, और जीएस की सभी नोट्स आपको एलएनई विद दुर्गेश पर मिल जाएगी। इसके अलावा लूसेंट भी इसके लिए बेहतर है। ठीक है, फॉर्म सभी भर सकते हैं जिन्होंने पेट परीक्षा में आवेदन किया हो। ग्रामीण विकास, देखिए ग्राम विकास के लिए काफी लोग नोट्स के लिए कहते हैं, ग्राम विकास की भी नोट्स एलएनई विद दुर्गेश पर उपलब्ध होगी। कुछ पेज का ये शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि ग्राम विकास में सबसे अहम जान लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, भूगोल भारत और विश्व का एग्रीकल्चर का सेक्टर आ जाता है, और भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं, और एक लेखपाल की भूमिका क्या होती है, लेखपाल की भूमिका क्या होती है। इतना चीज अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें लेखपाल का काम क्या होता है, नगर निगम क्या है, माने भाग अनुसूचित 11-12, इसका भी यहां पे प्रावधान किया गया है। माने हमने देखा भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधित योजनाएं, ग्राम विकास का कार्यक्रम, उनकी प्रमुख योजनाएं, शोध प्रणालियां, स्वास्थ्य, ग्रामीण, मतलब ग्रामीण जो योजनाएं हैं वह इसका सीधा सीधा जुड़ा है। यह था आपका पूरा पाठ्यक्रम, संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको पूरी तरह से स्पष्ट बता दिया। अब लास्ट में मैं फिर से एक बार आपके सभी सवालों के जवाब दे देता हूं। पहला सवाल, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है? तो जिन्होंने पेट परीक्षा दिया है वे सभी इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, यह पहला चरण होगा जब सभी आवेदन कर पाएंगे। दूसरा, इसकी शॉर्टलिस्ट जारी होगी कि कौन कौन लेखपाल परीक्षा दे सकते हैं। तो उसकी शॉर्टलिस्ट मुझे जहां तक लगता है कि 50 से ज्यादा परसेंटाइल वाले को लिया जा सकता है। क्या होगा, मुझे 30 हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। वह लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे, फिर उनकी चयन सूची शॉर्टलिस्ट जारी होगी, फिर वो दोबारा आवेदन फॉर्म भरेंगे, दोबारा वो फीस सबमिट करेंगे, जो उनकी फीस रखी जाएगी, फिर से आपका प्रवेश पत्र जारी होगा, और फिर हम निश्चित तिथि को परीक्षा देंगे। जो परीक्षा में बेहतर स्कोर करेगा उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, वह गांव का लेखपाल बनेगा। और फिर लेखपाल बनने के बाद क्या करना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसकी योग्यता क्या है, CCC मान्य नहीं है, CCC की यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। जिन्होंने CCC नहीं पास किया है, जिनके पास CCC की डिग्री नहीं है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। जो इंटरमीडिएट परीक्षा, जिनकी जो इंटरमीडिएट तक थे, वो भी इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी जो थी मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। अब फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी सबसे पहला काम ये करें कि टेलीग्राम पर जरूर से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप सभी लोग, यहाँ पे लिंक मैं दे रहा हूँ, वैसे लिंक होगा आपके पास, दुर्गेश सर सर्च करना है आपको, दुर्गेश सर सर्च करना है, और जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपके पास टेलीग्राम का लिंक आएगा, उससे ज्वाइन कर लेंगे। सभी फ्री क्लास, नोट्स, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, और प्रैक्टिस सेट के लिए एलएनई विद दुर्गेश का ऐप है, ऐप से भी जाकर आप प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कोई सवाल हो जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा, जो भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, फटाफट पूछ सकते हैं। पेट क्लियर होना जरूरी नहीं, पेट परीक्षा आप दिए हो, चाहे पेट परीक्षा में 10 अंक हो, 15 अंक हो, 20 अंक हो, इसके लिए कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है, आप आवेदन कर सकते हैं। और कोई सवाल, जो भी इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, वे सभी साथी, ये जौनपुर जनपद से चलती है क्लास, आपके लिए जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चल रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए। नोट्स उपलब्ध है, नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, आप सभी लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बाय बाय। क्योंकि अब की बार एक्सिट हमार आपका। थैंक यू, बाय बाय। ग्राम विकास की पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी, यूपी स्पेशल की पूरी नोट्स मिल जाएगी, उसके लिए घबराना नहीं है आप सभी को। कंप्यूटर भी था, यूपी स्पेशल है आपके लिए, जनगणना है, सिलेबस में जो था जनगणना भी था आपके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास तीनों था, भूगोल था, भारतीय अर्थव्यवस्था है आपके लिए। ठीक है, पेट परीक्षा में सम्मिलित हो आवेदन कर सकते हैं। पेट परीक्षा में जो भी सम्मिलित है वो आवेदन कर सकता है। जो बाद में जुड़े, वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेंगे, सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, पेट के नंबर की कोई बाउंडेशन नहीं है, वो शॉर्टलिस्ट जारी करेंगे। बाय बाय।